वेलकम टू माय चैनल फूड पॉकेट। आज हम बनाएंगे जन्माष्टमी की भोग थाल। जन्माष्टमी आ रही है तो हम भोग तो जरूर बनाएंगे। कृष्ण भगवान की जो अच्छे अच्छे चीजें जो उनको जो पसंद है वो सारे हम इस रेसिपी में करेंगे। ठीक है, चले फिर बनाने चले। हम सबसे पहले धनिए की पंजीरी बनाएंगे। उसमें हम पहले लेंगे घी, ये घी लेंगे हम 3 टेबलस्पून। उसमें हम मखानी कटा हुआ एक छोटा सा बाउल ले, देखिए ये अकॉर्डिंग टू आपके ऊपर आपको जितना चाहिए आप ले सकते हैं। इसको हम रोस्ट करेंगे। ये देखिए मखाने हमारे रोस्टेड हो गए हल्के हल्के, अब ज़्यादा नहीं करनी है हमें। इसको मैं एक बाउल में निकाल देती हूँ और मखाने को हमने निकाल दिया है। अभी 1 टीस्पून में डालती हूँ घी फिर से और उसमें सारे ड्राई फ्रूट्स में डाल दे रही हूँ। ड्राई फ्रूट्स अपनी ऊपर डिपेंड है, आप कितने भी कैसे भी डाल सकते हैं, जितना आपको चाहिए। मैं थोड़ा सा इसमें डाल रही हूँ, इसको थोड़ी देर रोस्ट होने के लिए छोड़ेंगे। थोड़ी देर रोस्ट होने के बाद हम इसे निकाल देंगे। ये देखिए इसमें मैं डाल रही हूँ जो सूखी नारियल आता है ना, ड्राई नारियल आता है, कोकोनट, ड्राई कोकोनट, उसको मैं थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, थोड़ी देर के लिए इसे भूनूंगी। ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ड्राई फ्रूट्स हो ये हो, इसको हल्की आप भूनोगे ना उसके मतलब टेस्ट में बहुत ज़्यादा फर्क आता है, बहुत अच्छा भी लगता है ये। ये देखिए ये मैं 2 टेबलस्पून ले रही हूँ घी फिर से और इसमें हम डालेंगे हमारा पीसी हुई धनिया। मैंने धनिया पीस के रखा था, पीस के कच्चा धनिया सबूत वाले, उसको पीस के अच्छी तरह इसे मैंने छान लिया है और इसको मैं अभी भूनूंगी। ये देखिए धनिया हमारी हो गई है, हमें ज़्यादा नहीं करनी है रोस्ट, इसे थोड़ी करनी है। तो मैं ये हो गई है, मैं इसे निकाल के रख लेती हूँ। ये देखिए धनिए की पंजीरी बनाने के लिए मैंने ना ये धनिया भुना हुआ ये ले ली हूँ। अभी इसमें मैं डालूँगी 2 टेबलस्पून घी। एक बाउल में आप ले लीजिएगा सारे, फिर इसमें मखानी जो हमने मखाने भुने थे ना उसको, फिर जो ड्राई फ्रूट्स और कोकोनट हमने ये के भुने थे वो, इसमें डाल रही हूँ मैं इलायची पाउडर 2 टेबलस्पून और शुगर इसमें अकॉर्डिंग टू यू, आपको जितनी शुगर पसंद है, मीठा आपको जितना पसंद है, शुगर पाउडर मैं डाल रही हूँ, आप उसी हिसाब से डालिएगा। डालने के बाद फिर इसको अच्छी तरह हमें मिक्स करनी है। ये देखिए हमारी पंजीरी बनके तैयार हो गए। ठीक है, मेवे के खीर बनाने के लिए हम पहले पैन में डालेंगे घी, 1 स्पून डाल रही हूँ और इसमें हम जो हमारी ड्राई फ्रूट्स, आप जितनी ड्राई फ्रूट्स आपको चाहिए उतने ही देना है, ऐसा कुछ नहीं है, इसका काम ज़्यादा आप कर सकते हैं। हम इसको अच्छी तरह भी भूनेंगे। ये देखिए हमने भून के निकाल दिया है। ये देखिए हमने पैन में 1/2 कप घी लिया है, इसमें मैं मखानी डाल रही हूँ 1/2 कप और इसको अच्छी तरह हम भूनेंगे। ये देखिए मैं इसमें ना थोड़ी चिरौंजी डाल रही हूँ। इसको ज़्यादा देर पकानी नहीं है हमें और ये ऐसे थोड़ी सी पक जाने के बाद जितनी भी ड्राई फ्रूट्स है उसको भी मैं डाल रही हूँ इसके अंदर और इसमें मैं 1/2 लीटर मिल्क डाल रही हूँ। मैंने 1/2 लीटर लिया है, ये थोड़ी देर ना ये मिल्क रिड्यूस हो जाएंगे फिर हम इसमें
बाकी इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। ये देखिए मैं इसमें इस स्टेज पे मैं ना 1/4 शुगर डाल रही हूँ। एक टीस्पून इलायची पाउडर डाल रही हूँ। इसको मैंने चीनी के साथ ना अच्छी तरह ग्राइंडिंग करके ली हूँ। ये देखिए हमारी खीर बनके तैयार हो गए ड्राई फ्रूट्स की। मैं इसको इसमें हम निकाल लेंगे। ये देखिए मेवे का खीर बनके तैयार हो गए। मीठी पाक बनाने के लिए सबसे पहले हमें मैंने 2 टेबलस्पून ली हूँ। इसमें हम डालेंगे खरबूजे का बीज होता है ना, डालेंगे। ये देखिए खरबूजे की बीज जो है हम इसे हल्का सा भून लेंगे। मैंने इसमें 1 कप डाला है खरबूजे के बीज। कृष्णा के भोग के लिए ये जरूरी है। ये पाक एक तो पाक ड्राई फ्रूट्स की होनी चाहिए, तो एक पाक के लिए मैंने इसको लिया है कि ये बना ले। ये देखिए ये इस तरह भून के फिर हम एक किसी भी जगह पे हम रखेंगे इसे। उसी प्यान में हम अभी चाशनी बनाएंगे। पहले मैं पानी डाल रही हूँ 1/3 कप, देन 1 कप शुगर मैं इसमें डाल रही हूँ। ये देखिए चाशनी हमारी हो गई है। ज़्यादा पतला नहीं रखनी है कि ज़्यादा मोटा भी नहीं। अभी इसमें मैं खरबूजे का बीज डाल रही हूँ। इसको हम थोड़ी देर अभी पकने देंगे। इसमें मैं इलायची पाउडर 1 टीस्पून डाल रही हूँ। ये देखिए हमारी ये बनके तैयार हो गई है। मैं अभी इसको एक बाउल एक ना प्लेट में आप ग्रीस करके फिर इसके ऊपर ये उसके ऊपर ये डाल देना है, ठीक है। ये देखिए एक प्लेट को मैंने ना घी से ग्रीस कर लिया है। अभी इसके ऊपर मैं ये डाल लूँगी और हमें इसे ना 1 आवर तक ना इसका रेस्ट करने के लिए छोड़ देना है। ये देखिए मैंने जिससे इसको इसमें डाला ना वो पहले कितनी पानी की तरह दिख रहा था, अभी देखिए पूरी, देखिए पूरी जम गया। मतलब कितनी जल्दी जमा है ये। इसको हम थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रख लेंगे फिर इसको कट करेंगे।